जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब पहरा देवी तीर्थ क्षेत्र के विकास की योजना बनी थी, लेकिन बीच में महाअघाड़ी की सरकार आई और उन्होंने इस काम पर ब्रेक लगा दिया। पोहरा देवी तीर्थ क्षेत्र का विकास तब आगे बढ़ा जब महायुति शिंदे जी के नेतृत्व में फिर से यहां सरकार बनी। आज इस योजना पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तरह तीर्थ स्थल के विकास से भक्तों को आसानी होगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास भी तेज होगा। भाइयों और बहनों, बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को। विकास सपोर्ट किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। भाइयों और बहनों, मैं महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी। साथियों, आज हमारी सरकार का हर निर्णय, हर नीति विकसित भारत को समर्पित है और विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान है। किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आज 9200 किसान उत्पाद संघ एफपीओ देश को समर्पित किए गए हैं। अभी कृषि के लिए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। इनसे कृषि उत्पादों के स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे। वैसे यहां महाराष्ट्र में तो किसानों को एनडीए सरकार में डबल फायदा हो रहा है। एकनाथ जी शिंदे की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी जीरो कर दिया है। आमचा शेतकऱ्यांना विजेचे बिल मिलत आहेत त्यावर शून्य लिहिलेले आहे ना। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाअघाड़ी की सरकार थी उसके दो ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना। दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे लेकिन महाअघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है। वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं आती। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ाती है, किसानों को मिल रहे पैसों का विरोध करती है, क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे पैसों से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कटकी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसका अवसर नहीं रहा है। आज पड़ोसी राज्य कर्नाटका को देखिए। जैसे महाराष्ट्र में महायुति सरकार किसान सम्मान निधि के साथ अलग से पैसे देती है, ऐसे ही कर्नाटका में बीजेपी सरकार देती थी। यहां कर्नाटका के मेरे कई बंजारिया परिवार यहां आए हुए हैं।
लेकिन जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने वो पैसा देना बंद कर दिया। वहां की कई सिंचाई परियोजनाओं से राज्य सरकार ने मुंह फेर लिया। कर्नाटका में कांग्रेस ने बीज की कीमतें भी बढ़ा दी। हर चुनाव से पहले कर्ज माफी का झूठा वादा कांग्रेस का पसंदीदा हथकंडा है। तेलंगाना में ये लोग कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन सरकार बनने के बाद इतना समय गुजर गया, अब किसान कुछ पूछ रहे हैं कि उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, हमें भूलना नहीं है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और महाअघाड़ी सरकार ने सिंचाई से जुड़े कितने कामों को रोक कर रखा था। जब एनडीए सरकार आई, उसने इस दिशा में तेजी से काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने वैनगंगा नलगंगा नदियों को लिंक करने की योजना को मंजूरी दी है। करीब 90,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, नागपुर और वर्धा में पानी की कमी को दूर होगी। महाराष्ट्र की सरकार कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक मदद भी दे रही है। किसानों के खातों में कपास और सोयाबीन के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। हाल ही में अमरावती के टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया गया। इस पार्क से कपास किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र में देश की आर्थिक प्रगति का नेतृत्व करने की असीम क्षमता है। ये तभी होगा जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित सबको आगे बढ़ाने का अभियान मजबूती से चलता रहेगा। मुझे विश्वास है आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रहेंगे। हम सब साथ मिलकर विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर हमारे किसान साथियों और मेरे बंजारा समाज के सब भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।